भारत सरकार के स्टार्टअप मिशन के तहत संबंधित टीम मोबाइल वैन के जरिए पूरे देश के कोने कोने में घूमकर नए स्टार्टअप स्थापित करने की चाह रखने वाले युवाओं से संपर्क कर रही है ताकि उनके आइडिया को अमलीजामा पहनाया जा सके। वहीं स्टार्टअप मिशन अभियान में युवाओं के द्वारा दिए गए आइडिया चयनित होने पर 10 लाख रूपए का इनाम जीतने का मौका है। हमीरपुर में पहुंची स्टार्टअप मिशन यात्रा का कॉलेज परिसर में पहुंचने पर छात्रों ने पूरी जानकारी हासिल की और अभियान के तहत मोबाइल ऐप में अपने आइडिया को रजिस्टर्ड करवाया। इस अवसर पर स्टार्टअप टीम मैनेजर अरुण सिंह, कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल के अलावा कॉलेज स्टाफ ने भी मोबाइल वैन की जानकारी हासिल की। स्टार्टअप मिशन के बारे में जानकारी देते हुए मैनेजर अरुण सिंह ने बताया कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ें, इसका प्रयास किया जा रहा है और युवाओं के नए नए आइडिया को अहमियत मिले, इसके लिए भी युवाओं के आइडिया को चुनकर 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और स्टार्टअप इंडिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 2016 में एक स्कीम निकला था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को एडवांस सपोर्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। सो इसमें होता ये है कि हमने दो तरीके का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। प्रोजेक्ट के अंदर दो चीजें हमने रखी हुई है। पहला ये कि बूट कैंप जो अभी हो रहा है हमारे इस कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर में, और दूसरा है वैन स्टॉप जो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में 21 नवंबर को होने वाला है। सो इसमें फर्क ये है कि वैन स्टॉप में हम रजिस्टर करते हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स का, जिनके पास भी कोई भी आइडिया हो जो अपना आइडिया शेयर करना चाहता है वो जाएगा अपना बूट कैंप में, वो अपना आइडिया शेयर करेगा और आइडिया सिलेक्ट होने के बाद आगे की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोलाबरेशन के थ्रू इनक्यूबेशन सेंटर से आपको हेल्प मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज में ये है कि अगर आइडियाज कोई सिलेक्ट होता है और इनोवेटिव आइडिया आता है तो हमारे यहाँ पर अप टू 10 लाख रुपीज तक की कैश प्राइजेस भी है और इनक्यूबेशन सेंटर्स आपको ऑफर डायरेक्टली मिल जाती है उस आइडियाज पे काम करने के लिए। ये जो प्रोसेस हो रही है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स अपना आइडिया रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू आउट हमारा जो एप्लीकेशन है टैबलेट्स के अंदर, उसमें अपना आइडिया रजिस्टर कर सकते हैं। आइडिया रजिस्टर करने के बाद उनको बूट कैंप जाना जरूरी है उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो जस्ट वैन स्टॉप इसलिए रखा गया आज कि अवेयरनेस बढ़ा जाए स्टार्टअप इंडिया के बारे में और आइडियाज के बारे में। हम चाहते हैं कि जितने से जितने बच्चे आ सकते उतना अच्छा हमारे लिए भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि फैसिलिटी सबको मिले। इसमें जितने भी बच्चे आ सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर है। डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल ने बताया कि स्टार्टअप मिशन के तहत पहुंची मोबाइल वैन में युवाओं ने जानकारी हासिल की और इसके लिए अपने आइडिया भी रजिस्टर्ड करवाए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हमीरपुर के युवाओं के आइडिया को भी पसंद किया जाएगा। टीवी स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी है कि अभी अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज इन्होंने अवेयर करवाया कि जो स्टार्टअप इंडिया का है, जो जिस तरह से दो प्रोजेक्ट किए हैं खुद ही बात करेंगे उसके बारे में अवेयरनेस, तो बच्चों को अवेयर किया गया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। फिर भी हमारे बच्चे काफ़ी इसमें आए थे और उन्होंने भाग लिया। इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस करने का है इसके बारे में इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और हमारे बच्चे मुझे लगता है काफ़ी लाभान्वित हुए। उन्होंने बड़े ध्यान से इस प्रोग्राम को देखा और सुना